नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, बैंक रिटायरीज के जो कोर्ट केस में केसेज हैं पेंडिंग, उसके बारे में अपडेट। रिट पिटीशन 8718/2018 ग्रेचुटी इन्हांसमेंट ₹20 lakhs इफेक्टिव फ्रॉम 1 January 2016। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ग्रेचुटी मैटर क्लब्ड विथ आवर रिट सेल टू फाइल द रिजवाइंडर। नेक्स्ट डेट 1 August 2024। सेकेंड केस है रिट पिटीशन केस 867/2019 कंपटीशन ऑफ ग्रेचुटी डी ए स्पेशल अलाउंस 26 days एक्सेट्रा टू बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन। केस इंटर्ड इन आर्गूमेंट फेज। नेक्स्ट डेट 4 July 2024। थर्ड रिट पिटीशन है 4532/2019 पेंशन अपडेशन स्पेशल अलाउंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ पेंशन एंड पेंशन अपडेशन। नेक्स्ट डेट 4 July 2024। और लास्ट रिट पिटीशन 11846/2019 सीबीडीटी एग्जेम्पशन ऑफ इनकम टैक्स ऑन लीव इनकैशमेंट। और इस केस में जो अपडेट है, आवर सीबीडीटी केस रिट नंबर 11846/2019 वॉज पोस्टेड फॉर टुडे। द जज आस्क्ड सीबीडीटी लायर वेदर ही हैड फाइल्ड हिज रिप्लाई आर नॉट। फॉर मेंबर्स इंस्टेंट इंफॉर्मेशन आवर लायर हैज इन्फॉर्म द जज दैट ऑन अर्लियर ओकेजन ऑल्सो द सीबीडीटी हैज गिवेन द बेनिफिट विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। सो इट विल नॉट बी ए न्यू प्रेसिडेंट इफ CBDT gives the retrospective benefit again. On this, the CBDT lawyer has sought time to file his reply. The CBDT lawyer assured the judge that the reply is ready and it will be signed today. He further assured the court that the reply shall be filed tomorrow. The judge further asked the CBDT lawyer that the copies of the reply should be given to the parties within 2 weeks. The judge asked our lawyer to file our reply within 4 weeks. And the next date, the case is on the 10th August 24. Shri Rajinder Kumar and KK Kalia, इन्होंने अपडेट भेजा है। फ्रेंड्स, जितने भी केस हैं उन पे तारीख लगती जा रही है और उसका कोई भी डिसीजन नहीं हो रहा है। इन द मीन टाइम आपको बता दूं कि पेंशन अपडेशन केस MC सिंगला, जिस पे अभी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग का कोई डेट सुप्रीम कोर्ट के साइट पे डिस्प्ले ही नहीं हो रहा है, यानी कि नेक्स्ट डेट कब होगा हियरिंग का, इसके बारे में अभी पता नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।